नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की बड़ी अपडेट आ रही है जीएमआरसी की तरफ से, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों आईटी डिप्लोमा और बीबीटेक स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊं दोस्तों, मेंटेनर की वैकेंसी निकाली गई, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और असिस्टेंट सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कल की डेट यानी कि 13 अक्टूबर को इन्होंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहां पे मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीएमआरसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया। जीएमआरसी के बारे में आपको बता दूं कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का 50-50 इसके अंदर शेयर रहता है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपकी टेम्पररी रहने वाली है, स्टार्टिंग में 3 से 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको इसके अंदर परमानेंट भी कर दिया जाएगा। जब डीएमआरसी की वैकेंसी आती है उसके नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको टेम्पररी वर्ड देखने को मिलेगा, परमानेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से ये वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ी-थोड़ी करके अलग-अलग वैकेंसियां कई सारी निकाली गई है, जैसे कि मान लीजिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है और असिस्टेंट सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी और मेंटेनर के लिए वैकेंसी रखी गई है। पे स्केल आप यहां पे देख सकते हो, सैलरी आपको काफी अच्छी यहां पे मिलने वाली है। एज लिमिट है वो यहां पे देखिए, सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर की है उसकी यहां पे 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर के लिए यहां पे 28-28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। मेंटेनर की यहां पे 4 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर की 4 वैकेंसी है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर 3 और 2 यानी कि टोटल मिलाकर के 5 वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी वैकेंसी के अंदर केवल और केवल एक्सपीरियंस वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। जो फ्रेशर्स है जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो इनके अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों। देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके अंदर बीटेक सिविल वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, मिनिमम 4 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके अंदर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कर रखा है, आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का सेक्टर आप यहां पे चेक कर लेना, सिविल सेक्टर से इसके अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है टोटल मिलाकर के यहां पे 4 वैकेंसी रखी गई है, जिसके अंदर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर भी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी रखा गया है। आगे जो वैकेंसी है नंबर 9 पे, सीरियल नंबर में देखोगे तो मेंटेनर की वैकेंसी है, टोटल यहां पे 4 वैकेंसी रखी गई है जिसके अंदर आईटी वाले अप्लाई कर पाएंगे। आईटी की ट्रेड यहां पे मेंशन इन्होंने नहीं कर रखी है, लेकिन अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है आईटी के बाद में सिविल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, टनल हो गया, ट्रैक हो गया, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है और आईटी किसी भी ट्रेड में कर रखे, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के बारे में उन्होंने मेंशन कर रखा है, स्टार्टिंग में आपके 3 से 5 साल के लिए जॉब रहने वाली, लेकिन एक्सटेंडेबल है यानी कि जॉब आगे आपकी 5 साल के बाद में भी बढ़ा दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और अप्लाई करने के बारे में आपको बता दूं, गुजरात मेट्रो रेल .com के नाम से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, उस लिंक के जरिए आप अप्लाई कर सकोगे। ऑनलाइन आवेदन है इसके स्टार्ट हो चुके हैं अभी, यानी कि आज की डेट से भी आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। 12 नवंबर इनकी लास्ट डेट रखेगी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है, जब आपको कॉल लेटर आएगा उसी के अंदर इंटरव्यू की डेट के बारे में और वेन्यू के बारे में आपको बताने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपके परसेंटेज और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।